ये देखें कहाँ लटका हुआ है ये छोटा सा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी बहुत बड़ी खुदा की नेमत है। अगर इंसान तसव्वुर करे कि खुदा ने उसे कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा है, तो शुक्र करते करते उसकी ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। हमें हाथ पांव आंखें, सुनने की कुव्वत, खाने पीने की, ज़बान का जायका और सब नेमतों से नवाजा है अल्लाह ताला ने, और इस ज़िंदगी को सही तरह गुजारने और इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी अपनी और हमारे बच्चों की हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। रेलगाड़ियाँ सफ़र के लिए एक आसान ज़रिया हैं। मुल्क भर में जहाँ जहाँ भी रेलगाड़ियाँ गुज़रती हैं, वहाँ से लोग बआसानी दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं, और बहुत से लोग और छोटे बच्चे रेलगाड़ियों को देखने भी आ जाते हैं कि जब वो गुज़रती हैं बहुत लंबी रेलगाड़ियाँ, तो एक दिलकश मंज़र होता है जो बहुत से लोग देखने आ जाते हैं। 20 जुलाई 2023 मैं सफ़र कर रहा था 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस में। हैदराबाद से हमारी ट्रेन जब चली, तो हैदराबाद से निकलते ही आबादियां ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे ही हमारी ट्रेन ने कोटली पुल क्रॉस किया, तो बहुत स्लो हो गई। कोटली रेलवे स्टेशन में दाखिल होने से पहले सब ट्रेनें बहुत स्लो हो जाती हैं, और स्लो रफ्तार में ही कोटली रेलवे स्टेशन को थ्रू पास करती हैं। इसी तरह ये ट्रेन भी बहुत स्लो हो गई, और तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे ट्रेन के बहुत ही करीब खड़े हुए थे, और एक बच्चा जो था वो ट्रेन में सवार हो गया, और बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन वो ट्रेन में पता नहीं किस जगह से सवार होता था हुआ था वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो उतरने की कोशिश कर रहा था। मैं जिस कोच में बैठा था उससे भी अगले वाली कोच में, मेरा कैमरा आपको सही मनाज़र तो नहीं दिखा सकेगा, लेकिन जब वो बच्चा उतर जाएगा तो आप देखेंगे कितना छोटा बच्चा है। लेकिन ये बहुत वक्त, तकरीबन 3-4 मिनट वो बिल्कुल रेलगाड़ी के व्हील्स के करीब, पहियों के करीब ही बैठा रहा, नीचे उतर आया और करीब ही लटकता रहा। आगे चल के मैं आपको वो मंज़र भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह ट्रेन के बिल्कुल व्हील के करीब लटकता रहा और उतरने की कोशिश करता रहा। उस डब्बे में मौजूद लोगों ने भी शायद उसे नहीं देखा। मैंने एक बंदे को भी कहा कि आप जाके देखें, तो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे, गौर से देखेंगे तो आगे जो दरवाज़ा है, जो गेट है, उससे आगे थोड़ा आगे कोई चीज़ लटकती हुई आपको नीचे नज़र आ रही होगी। तो ये कोई चीज़ नहीं है, छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल व्हीलों में आके बैठ गया है, सीढ़ियों से नीचे उतर आया है। अजीब तरीके से वो हरकत कर रहा था, तो अब ये उतर जाएगा तो आप देखेंगे वहाँ खड़ा होगा, फिर भी हरकत कर रहा होगा। अब ये उतर गया है, ट्रेन बहुत स्लो हो गई थी तो अब भी देखें ये उतर गया है। और उतरने के बाद दोबारा ट्रेन की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है। खुदा खैर करे, वालदेन को सोचना चाहिए कि जब ट्रेन गुजरती है तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। क्या कर रहे हो, पीछे हट जाओ, ट्रेन जा रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाकर
आपको पैगाम देना ही मकसद था कि बच्चों को जब ट्रेन गुज़रती है तो अपने बच्चों पे नज़र रखें, और बड़ों को भी चाहिए जब ट्रेन गुज़रती है तो अपने आप को रेलवे ट्रैक से दूर रखें या चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश ना करें। चंद लम्हे कीमती नहीं है, आगे ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है, आप उतर जाते। उम्मीद है कि आपको ये छोटी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह।